Hi everyone so welcome back to fly with coding myself rohit bindal and in this video we will talk about problem d from codeforces round 851 division 2 and the problem name is moving dots and also before moving to the video i would like to tell you about full stack development program by newton school so if you want to learn full stack development from scratch then you can enroll for this program where you will be learning full stack development directly from industry experts and a new batch in this program will be starting very soon so if you want to register for this program then the registration link is given in the description below so you can definitely check it out इट so यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें n डॉट्स दिए हुए राइट और हर एक dot जो एक्स एक्सिस पे पड़ा है और एक्स एक्सिस पे किस कोऑर्डिनेट पे पड़ा है किस पोजीशन पे पड़ा है तुम्हें वो पोजीशन छोटे डॉडर में दी हुई है राइट तो फॉर एग्जांपल लेट से अगर एन की वैल्यू फाइव है तो पहला डॉट लेट से वन पे है दूसरा डॉट टू दू पे है तीसरा डॉट फोर पे है ट से एट पे एंड देन लेट से टन पे एंड सेट से नाइन पे ओके सन केवल्यू सिक्स है फॉर एग्जाम्पल राइट अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें यह बोला है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारे डोट्स साइमल्टेनियसली किसी ना किसी डायरेक्शन में स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट करेंगे राइट right. तो अब तुम्हें क्या बोला है और डायरेक्शन क्या होगी तो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर कोई भी एक डोट है फॉर एग्जाम्पल ये डॉट है अगर तो ये बोला है कि ये बंदा जो है ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इसके क्लोजेस्ट एक डॉट हो फॉर एग्जाम्पल इसके लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे वन डिस्टेंस पे एक डॉट है इसके राइट right डायरेक्शन में टू डिस्टेंस पे डॉट है तो डेफिनेटली क्लोजेस्ट डॉट जो है वो लेफ्ट में है तो टू जो है ये लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट करेगा ठीक है सिमिलरली यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे फॉर एग्जाम्पल सेवन जो है इसके लेफ्ट में जो डॉट है वो यार थ्री पोजिस थ्री डिस्टेंस पे है राइट में जो डॉट है वो वन डिस्टेंस पे है तो सेवन जो होगा ये राइट right डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा क्योंकि इसका जो क्लोजेस्ट डॉट है वो राइट डायरेक्शन में है तो हर एक डॉट जो है जिस भी डायरेक्शन में उसका क्लोजेस्ट डॉट होगा उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे राइट अब यार डेफिनेटली जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डॉट होगा राइट तो उसके लेफ्ट में कोई डॉट नहीं होगा राइट तो वो डेफिनेटली राइट right में जाएगा और जो सबसे राइट मोस्ट डॉट होगा राइट उसके राइट right में कोई नहीं होगा तो वो डेफिनेटली लेफ्ट हो जाएगा तो होगा क्या कि सारे के सारे डॉट्स जो हैं कहीं ना कहीं मिलेंगे राइट तो तुम्हें बोला कि अगर कोई भी दो डॉट राइट या फिर कोई भी एक से ज़्यादा डॉट किसी एक पर्टिकुलर सेम कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं तो वहाँ पे वो रुक जाएंगे राइट उसके बाद फर्दर वो मूव नहीं करेंगे अब तुम्हें ये बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे ये सारे डॉट्स जो है रुकेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वन होगा ये राइट right में जाएगा ये जो फोर होगा ये लेफ्ट में जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस टू है ये डिस्टेंस थ्री है तो लेफ्ट में जाएगा फिर यहाँ पे जो एट होगा इसके इधर डिस्टेंस मैंने अच्छा एक चीज़ और बोली है कि अगर डिस्टेंस सेम है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम देख सकते हो एट के लेफ्ट में भी वन डिस्टेंस पे डॉट है राइट right में भी वन डिस्टेंस पे डॉट है तो इस केस में जो डॉट होगा वो लेफ्ट में जाएगा राइट right ये भी बोला है एंड अब जो नाइन होगा ये भी डेफिनेटली लेफ्ट में जाएगा तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो वन और जो टू है राइट और एक यार ये बोल रहा है कि सारे जो डोट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो कॉन्टेंट है राइट तो अब ये जो वन और टू है ये दोनों सेम स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे वन पॉइंट फाइव पे मिल जाएंगे राइट और जब ये दोनों मिल जाएंगे तभी वहीं रुक जाएंगे उसके बाद आगे मूव नहीं करेंगे उसके बाद क्या होगा जो फोर होगा ये भी यार इसी लाइन पर आगे इसी लाइन पर आगे रुक जाएगा राइट क्योंकि यहाँ पे सब सब लोग मिल चुके हैं लेकिन यार अब यहाँ पे देखो ये जो सेवन और एट है ये दोनों मिलेंगे सेवन पॉइंट फाइव पे राइट इस लाइन पे और ये फिर जो नाइन होगा ये भी इसी लाइन पे आगे रुक जाएगा तो इस केस में अगर ये सारे मूव करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सारे डॉट्स रुकेंगे राइट तो इस पर्टिकुलर एरे के लिए जो आंसर होगा वो होगा टू राइट पर मुझे सिर्फ यार इस अरे के लिए आंसर नहीं निकालना है मुझे ये जो एरे दिया हुआ है राइट ये एक्स एरे है बेसिकली पोजिशन एरे ये जहाँ पे एक्स ऑफ आई बताता है पोजिशन ऑफ आई ए डॉट ऑन एक्स एक्सिस तो मुझे क्या करना है मुझे इस एरे के सारे सबसेट्स के लिए आंसर निकालना है राइट आंसर क्या है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे मिलेंगे तो मुझे इसके सारे सबसेट्स के लिए आंसर निकालना है और उन सारे आंसर का जो सम होगा राइट वो सम मॉड्यूलो टेन टू द पॉइंट नाइन प्लस सेवन मुझे ये वैल्यू जो है रिटर्न करना है तो ये प्रॉब्लम है ठीक है अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे <coughs> तो यार फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास पहली चीज़ तो देखो यार ये है कि अगर कोई डोट जो है लेट से स्टार्टिंग में वो राइट right डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है ठीक है तो क्या ये डॉट कभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है ठीक है पहली चीज़ तो ये देखते हैं राइट तो अब अगर देखो अगर ये डायरेक्शन पहले स्टार्टिंग में राइट में जा रहा है इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में इसके राइट right डायरेक्शन में कोई एक डॉट रहा होगा जो उसके क्लोजेस्ट था और लेफ्ट वाला जो डॉट था वो दूर रहा होगा तभी ये राइट right डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था राइट right. अब अगर तुम चाहते हो कि यार ये जो है राइट right में जाते जाते इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए लेफ्ट में तो लेफ्ट में कब जा सकता है तो दो केस हो सकते हैं पहला केस क्या हो सकता है ये वाला जो डॉट है ये इस डॉट से इतना दूर चला जाए राइट right, इतना दूर चला जाए कि ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए राइट right. मैंने क्या कहा कि इसकी डायरेक्शन चेंज कब होगी जब ये जो डॉट है राइट right, ये इतना दूर चला जाए राइट right, कि जो left, इसके जो लेफ्ट इसके लेफ्ट में जो डोट था इसके डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस से कम हो जाए तो फिर क्या होगा कि यार अब इसका क्लोजेस्ट डोट ही हो चुका है और ये अभी लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा राइट right, पर क्या ये कभी इतना दूर जा सकता है नहीं जा सकता क्यों क्योंकि मैंने बोला था कि सारे डोट की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है तो अगर इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है राइट right, तो ये सेम स्पीड से जा रहा है ये भी सेम स्पीड से जा रहा है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कभी बढ़ नहीं सकता राइट right, क्योंकि बढ़ने के लिए इसकी स्पीड जो है इसकी स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए तो डेफिनेटली यार इस केस में ये वाला केस नहीं पॉसिबल नहीं होगा एंड सिमिलरली ये आगे ना जाके या हो सकता है कि ये वाला जो डॉट है ये इसके इतना करीब आ जाए कि इस डिस्टेंस से भी पास में कहीं ना कहीं आ जाए और अगर ये इतना क्लोज आ गया तो फिर इसके डायरेक्शन लेफ्ट होनी पड़ेगी पर डेफिनेटली अगेन क्योंकि स्पीड सेम है तो ये भी यार इसे भाग के इसके पास आ नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है राइट ये डिस्टेंस जो है ये कम नहीं हो सकती ये कम तब कब तब होगी जब ये डॉट कहीं आगे जाके रुक जाए उसके बाद जो है ये करता करते इसके पास आ जाए राइट तो पहली चीज़ क्या है कि अगर कोई भी डॉट इनिशियली जिस डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में चलेगा और जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी क्यों क्योंकि सबकी स्पीड कॉन्स्टेंट है ठीक है पहली चीज़ समझ में आ गई अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि यार किसी भी एक अरे के लिए आंसर क्या होगा ठीक है लेट अभी भूल जाओ सब को मैं देखता हूँ कि मेरे पास लेट से एक है वन टू फोर देन लेट से सेवन और एट तो इसके लिए आंसर क्या होगा ठीक है तो मुझे पता है मुझे पता है कि इनिशियली जो टू है ये जाएगा लेफ्ट में वन जाएगा राइट में फोर जाएगा लेफ्ट में सेवन जाएगा राइट में एट जाएगा लेफ्ट में राइट तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा जो वन और टू है ये यह दोनों यहाँ मिल रहे थे और ये फोर भी आ रहा था तो एक मुझे मिल रहा था वन पॉइंट फाइव और एक मुझे यहाँ से मिल रहा था सेवन पॉइंट फाइव तो ये मुझे क्यों मिले ये मुझे क्यों मिले दो आंसर मुझे यहाँ पे क्यों मिले तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यार ऐसे एडजेसेंट पेयर्स ओके ऐसे एडजेसेंट डॉट्स जो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि यार इस एरिया में कोई ऐसे दो डॉट है जिनके बीच में कोई भी डॉट नहीं और ये दोनों एक एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये मुझे एक आंसर देंगे क्योंकि डेफिनेटली ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे राइट और फिर क्या होगा और इनफैक्ट ये दो डॉट ऐसे जो मुझे आंसर देंगे क्योंकि अगर इसके अलावा लेट से कोई और डॉट होता तो यार ये तो आके फिर इसी लाइन पे वापस मिल जाएगा यहाँ पे रुक जाएगा राइट तो मैं कह रहा हूँ कि इस एरे में अगर मैं नंबर ऑफ एडजेसेंट डॉट्स निकाल लूँ नंबर ऑफ एडजेसेंट डॉट्स विच आर मूविंग विच आर मूविंग टू ईच अदर राइट विच आर मूविंग टू ईच अदर राइट ये मेरा इस एरे के लिए आंसर होगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वन और टू ये एक ऐसा एडजेसेंट पेयर है एडजेसेंट पेयर मतलब है कि इन दोनों के बीच में और कोई डॉट है नहीं दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों मुझे एक आंसर देंगे सिमिलरली सेवन और एट एक एडजेसेंट पेयर है दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो एक, एक आंसर मुझे यहाँ से मिलेगा अब इसके अलावा अगर कोई और भी डॉट होता कोई और डॉट होता तो क्या होगा कि और वो अगर एडजेसेंट नहीं होते तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर जो है राइट ये किसी के साथ एडजेसेंट नहीं है तो तो ये क्या होगा ये इधर जाएगा और इस यहाँ पे यहाँ पे आगे मिल जाएगा इस रुक जाएगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से अगर कोई और अगर डोट होता तो इधर जा रहा होता तो यहाँ आता और इस लाइन पर रुक जाता राइट right. तो किसी भी अरे के लिए मेरा आंसर क्या होगा नंबर ऑफ एडजेसेंट डॉट्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर राइट क्योंकि अगर दो डॉट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे एक आंसर पक्का मिलना मिलना है इस आंसर को कोई नहीं रोक सकता अगर उनके बीच में कोई डॉट नहीं है राइट right. तो ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई पर यार अब प्रॉब्लम क्या है अब यार एन की वैल्यू जो थ्री थाउजेंड तक है ठीक है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे टू टू द पावर एन तो हर एक सबसेट के लिए मैं ऐसे आंसर तो निकाल नहीं सकता राइट तो अब अपन क्या करेंगे इसको अपन इसको अपोजिट में देखेंगे तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक एरे के लिए मैं नंबर ऑफ एडजेसेंट पेयर्स निकाल रहा हूँ ठीक है और फिर मैं हर एक सबसेट के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं करके मैं क्या करता हूँ कि अब मैं सारे एडजेसेंट पेड़ देखूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एक पेयर आई को जे को उठाता हूँ क्योंकि मुझे और ये मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ पेयर जो है वो एट लाइक ऑर्डर ऑफ स्क्वायर होंगे राइट तो अगर आई अगर आई और जे को मैं उठाता हूँ लेट से आई लेस देन जे है तो मुझे पता है कि आई को अगर मैं लेट से जीरो से ले जाऊँ एंड तक राइट और जे को अगर मैं ले जाऊँ आई प्लस वन आई प्लस वन से एन तक ठीक है तो ये ये जो लूप होगा ये जो नेस्टेड लूप होगा ये सारे आई कोमा जे पेयर को कवर कर सकता है तो सारे सबसेट को तो मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि टू टू दर एन होगा लेकिन सारे मैं एडजेसेंट पेयर्स को कवर कर सकता हूँ राइट तो अब देखते हैं अपन कैसे कवर कर करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक कोई पेड़ ले, ले लिया आई कोमा जे दैट आई लेस देन जे एंड देट से ये आई की जो पोजिशन है वो एक्स आई है एंड जे की पोजिशन जो एक्स जे है अब ये आई जे पेड़ मैंने इस तरह से लिया है कि ये दोनों जो है मैं मान रहा हूँ कि आई और जे जो है ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं पहली चीज़ तो ये है राइट और दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों के बीच में और कोई डॉट नहीं है राइट ये मैंने कहा था कि आई और जे पेयर मुझे आंसर कब देगा जब इनके बीच में कोई डॉट ना हो एंड ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली ये बीच में मिलेंगे और मुझे एक आंसर मिलेगा ठीक है तो बहुत बढ़िया मैंने आई को मैं जे ले लिया ठीक है अब क्या करूँगा अब देखो क्या होगा अब लेट से कि एक कोई भी एक करता कोई भी एक करो था ठीक है जिसमें ये आई और जे जो है ये एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं और इनके बीच में कोई डॉट नहीं होता एंड लेट से उस एरे में आई के लेफ्ट साइड में लेट से कोई एक डॉट हो क्योंकि देखो लेफ्ट आई के लेफ्ट में और जे के राइट में डॉट्स हो सकते हैं राइट में बड़ो उनके बीच में डॉट नहीं होंगे तो लेफ्ट से आई के लेफ्ट में एक डॉट होता और जे के लेफ्ट राइट में भी एक डॉट होता लेट से राइट तो ये जो आई कोमा जे है राइट ये कितने आंसर्स कंट्रीब्यूट करता ठीक है वो कैसे पता चलेगा तो ये जो दो डॉट्स है दो डॉट्स को लेने की चॉइस है टू टू दू विच इज फोर फॉर एग्जाम्पल या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक इसका सबसेट ले सकता हूँ जिसमें केवल आई को जे हो या फिर मैं एक सबसेट ऐसा ले सकता हूँ जिसमें ये वाला डॉट हो आई हो एंड जे हो या फिर मैं एक सबसेट ऐसा ले सकता हूँ जिसमें बेसिकली आई बी हो जे हो राइट वाला डॉट हो और या फिर एक सबसेट मैं ऐसा ले सकता हूँ जिसमें ये सारे हो तो अगर अब अब देखो ये जो आई को जे है अगर ये यहाँ पे आंसर दे रहा है अगर ये यहाँ पे आंसर दे रहा है ये तो यहाँ पे भी वही आंसर देगा यहाँ पे भी एक आंसर देगा इस सब्जेक्ट में भी एक आंसर देगा राइट right. तो यहाँ क्योंकि देखो इस इस सबसेट में भी आई और जे तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो एक आंसर मिलेगा ठीक है कोई सा भी तुम सबसेट ले लो आई और जे तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और उनके बीच में कोई डोट है नहीं तो वो तो हर सबसेट में आंसर देंगे ही देंगे राइट right. तो मैंने कहा अगर आई के लेफ्ट में यहाँ पे एक डोट था ठीक है तो लेफ्ट से कि मैं बोलता हूँ लेफ्ट में कुछ डोट्स है और जे के राइट में कुछ डोट्स है राइट right. तो ये जो आई कोमा जे पेर है ये मुझे कितने नंबर ऑफ आंसर्स देगा ये मुझे देगा टू टू द पावर लेफ्ट प्लस राइट इतने नंबर ऑफ आंसर्स मुझे ये आईकोमा जे पेड़ देगा ठीक है बेसिकली इतने नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें ये आई कोमा जे प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे और इनके बीच में कोई डॉट नहीं होगा राइट तो ये सारे सबे मुझे आंसर एक एक आंसर देगा टोटल इतने सब सबसेट्स होंगे तो मुझे आईकोमा जे पेड़ जो इतने आंसर देगा राइट अब अब मेरा काम क्या है कि सारे आईकोमा जे पेड़ में देख सकता हूं तो अब अगर मैं किसी भी आई कोमा जे पेड़ पे हूँ जिसकी पोजिशन एक्स आई एंड एक्स जे है तो पहले तो मुझे ये निकालना है कि मैं ऐसे कितने सबसेट्स हो सकते हैं जिसमें आई कोमा जे प्रेजेंट हो सच देट ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो राइट अब देखो इन इसके लेफ्ट में हो सकता है कुछ नंबर आए और इसके राइट में हो सकता है कुछ नंबर आए तो मुझे पहले देखना है कि लेफ्ट में कितने बंदे आ सकते हैं राइट में कितने बंदे आ सकते हैं सो तो दैट मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल पाऊँ जिसमें आई कोमा जे जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और मुझे एक आंसर देंगे राइट तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं देखता हूँ कि लेफ्ट में कितने नंबर हो सकते हैं ठीक है तो लेफ्ट से लेफ्ट से कि मैं लेफ्ट में एक किसी बंदे को उठाता हूँ के को ठीक है जिसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से वो एक्स के है तो ये के जो है ये वैलिड कब होगा ठीक है अभी मैं क्या कर रहा हूँ आई के लेफ्ट वाले देख रहा हूँ ये के वैलिड कब होगा तो मुझे पता है मुझे पता है कि आई जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर आई राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली जो आई और जे के बीच की डिस्टेंस है वो के और आई के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस से कम होना चाहिए अगर तुमने कोई भी के ऐसा ले लिया लेफ्ट से ले तुम्हें कोई के ऐसा ले लिया सच देट के और आई के बीच की डिस्टेंस कम हो गई आई और जे की डिस्टेंस से तब तो यार आई जो लेफ्ट चला जाएगा क्योंकि आई तो क्लोजेस्ट पॉइंट के पास जाता है राइट right. तो मुझे ऐसा के चूज करना है तो फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्टेंस है ये क्या है ये डिस्टेंस है एक्स जे माइनस एक्स आई मैं कह रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन होनी चाहिए एक्स आई माइनस एक्स के से राइट right? इस डिस्टेंस से अच्छा क्या इक्वल हो सकती है नहीं इक्वल भी नहीं हो सकती क्योंकि अगर इक्वल होगा तो टाई हो जाएगा और टाई भी होगा ना तो फिर भी आई जो है लेफ्ट चला जाएगा क्योंकि मैंने बताया था अगर टाई होता है तो लेफ्ट में जाएगा पर यहाँ पे राइट में राइट जा रहा है तो ये जो ये जो डिस्टेंस डिस्टेंस है ये स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए इस डिस्टेंस से तभी मैं बोलूँगा कि यार ये के वैलिड है और इसके को अगर मैं इस सबसेट में कंसिडर करूँगा तो भी आई जो अभी भी राइट में ही जाएगा राइट right. तो अब अब यहाँ से क्या होगा अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ कि एक्स के जो है इट शुड बी लेस देन टू एक्स आई माइनस एक्स जे राइट अब यार अब यार मुझे अब देखो यहाँ पे मुझे आई और जे पता है क्योंकि मैं सारे आई जे ले रहा हूँ आई जे के कोरोस्पॉ एक्स आई पता है एक्स जे पता है राइट right. तो मुझे बेसिकली ये वैल्यू पता है अब मुझे क्या करना है कि जो एरे मुझे दिया हुआ है एक्स वाला जो एरे दिया हुआ है राइट मुझे उसमें ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस वैल्यू से छोटी हो राइट right. तो अगर मैं अगर मैं इस वैल्यू का लोअर बाउंड निकाल निकालू ठीक है तो लोअर बाउंड क्या होता है लोअर बाउंड यार बेसिकली अरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पॉइंट करता है ठीक है जिस जिस पे वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल है राइट तो लोअर लोअर बाउंड का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल ठीक है तो अगर मैं इसका लोअर बाउंड निकालू लेफ्ट से कि मेरा लोअर बाउंड जो है वो कहीं यहाँ पे आता है ठीक है इस इंडेक्स में बोलता हूँ लेफ्ट तो इसका मतलब क्या है कि इस इंडेक्स से लेके आगे जितनी भी वैल्यूज है ये सारी की सारी इस वैल्यू से बड़ी या इसके इक्वल है ठीक है और मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए इससे सारी छोटी वैल्यूज इसका मतलब ये जो वैल्यूज है इसके पहले जितनी वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज मेरी वैलिड वैल्यू है लेफ्ट में आने के लिए राइट तो ये ये कितनी वैल्यूज होगी ये बेसिकली लेफ्ट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी कैसे कि अगर यार कोई भी एक मेरे पास लेट से आ है जिसमें इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री फोर और लेट से मेरा जो लेफ्ट है टू पे आता है ठीक है तो मुझे टू से पहले वाली वैल्यूज चाहिए राइट तो टू से पहले वाली कितनी होगी टू होगी राइट तो जो भी बेसिकली यहाँ पे आ रहा है जो भी इंडेक्स आ रहा है राइट उतने नंबर ऑफ वैल्यूज उसके पहले प्रेजेंट होगी तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने इसका लोअर बाउंड निकाला और लोअर बाउंड वाला जो इंडेक्स है वो लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट में नंबर ऑफ एरेस कितने होंगे तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट राइट जो भी इंडेक्स आ रहा है लेट से यहाँ पे थ्री इंडेक्स आ रहा है तो आंसर होगा थ्री क्योंकि इससे पहले जो है थ्री बंदे जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे जीरो वन टू राइट तो ठीक है ये मुझे पता चल गया कि लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ बंदे आएंगे ठीक है और लोअर बाउंड यार बेसिकली कुछ नहीं है बाइनरी रिसर्च है राइट तो लोगन टाइम में मुझे मिल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स ऐसा है जहाँ पे वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वेस्ट हो रही है राइट तो लोगन टाइम में मैं निकाल सकता हूँ कि कितने बंदे लेफ्ट में हैं अब मुझे निकालना है कितने बंदे राइट में हैं तो राइट वाले कैसे निकालूंगा लेट्स से ये आई और ये जे ठीक अब मैं चाहता हूँ कि कोई के जो उसके राइट में हो अब जे मुझे पता है कि यार लेफ्ट में जा रहा है क्योंकि आई और जे जो दोनों एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए थे अब जे जा रहा है लेफ्ट में तो अगर जे लेफ्ट में जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो डिस्टेंस है विच इज़ एक्स जे माइनस एक्स आई ये कम ये कम होनी चाहिए इससे ये कम होनी चाहिए एक्स के माइनस एक्स जे से चाहिए यहाँ या, पे इक्वल चल सकता है हाँ यार यहाँ पे इक्वल ले सकता हूँ क्यों क्योंकि मैंने कहा था अगर टायर होता है तो लेफ्ट जाता है और यहाँ पे लेफ्ट जा रहा है तो यहाँ पे इक्वल भी चलेगा राइट तो अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली एक्स के जो है इट शुड बी ग्रेटर देन टू टू एक्स जे माइनस एक्स आई राइट तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बेसिकली बस इसका लोअर बाउंड निकालना है इस वैल्यू का लोअर बाउंड निकालना है तो अगर इसका लेफ्ट से लोअर बाउंड कहीं पे भी आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट से इसको मैं बोलता हूँ राइट इंडेक्स है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर आगे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इसके बराबर है इससे बड़ी है और मुझे वही चाहिए इसका मतलब अब मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए राइट तो ये सारी वैल्यूज कितनी होगी ये हो, अगर टोटल एलिमेंट्स एन है तो ये सारी वैल्यूज होगी एन माइनस राइट के बराबर ठीक है कैसे तो वही ले लो यार एक एग्जाम्पल एक अरे है अरेट से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे एन की वैल्यू सिक्स है राइट अब लेट से इंडेक्स आता है तुम्हारा आई क्वेश्चन टू पे तो ये नंबर ऑफ कितने ये कितने नंबर्स होंगे ये होंगे एन माइनस आई तो यहाँ तुम देख सकते हो सिक्स माइनस टू विच इज फोर तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फोर एलिमेंट्स है राइट तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एन माइनस -right, राइट यहाँ पे राइट बेसिकली क्या है इस बंद देगा लोअर बाउंड वाला इंडेक्स राइट अब मुझे लेफ्ट में बंदे मिल गए राइट right में बंदे मिल गए अब मेरा आंसर कितना कंट्रीब्यूट होगा आईकोमा जे पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग वो होगा टू टू द पावर लेफ्ट प्लस राइट इतना आंसर मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट होगा राइट तो बस यार यही है तो अब मैं क्या करूँगा सारे आईकोमा जे पेयर्स के लिए लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ तो पहली बात तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी तो यार टोटल पेयर अन स्क्वायर हो सकते हैं हर एक पेयर के लिए तुम जो है लोअर बाउंड निकालोगे लोअर बाउंड बाइनरी सर्च से निकल रहा है तो लोग अन टाइम लगेगा तो तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी होगी स्क्वायर अनस्क्र लोअन विच विल वर्क विच विल वर्क कम्प्लीटली फाइन राइट अब इसमें एक चीज़ और है कि क्योंकि यहाँ पे यार देखो अन के वैल्यू थ्री थाउजेंड है राइट right? तो टू की पावर थ्री थाउजेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा राइट right? और तुम्हें जो है वो बेसिकली मॉड्यूल हो टेन टू पावर नाइन प्लस सेवन में आंसर निकालना है तो ये जो टू की मैं पावर्स निकालूंगा राइट इनको मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा मैं क्या करूँगा एक एरे लूँगा मैं एक एरे लूँगा ठीक है इस एरे में बेसिकली क्या होगा कि इस एरे का जो आई एत इंडेक्स होगा राइट इसको लेट से मैं एरे बोलता हूँ जब इसको मैं पावर बोलता हूँ पी ओ डब्ल्यू तो इसका बेसिकली जो पी ओ डब्ल्यू ऑफ आई है राइट ये मुझे बताएगा टू टू द पावर आई ठीक है तो इसमें क्या करूँ फॉर एग्जाम्पल लेट से इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री फोर तो जीरो पे होगा वन फिर होगा टू फिर होगा फोर फिर होगा एट फिर होगा सिक्सटीन तो तुम तो तो देख सकते हो फोर्थ इंडेक्स पे सिक्सटीन वैल्यू है विच इज़ नथिंग बट टू टू द पावर फोर और ये वैल्यूज इसमें कैसे फिलअप करूँगा तो यार किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर लेट से मैं यहाँ पे हूँ तो ये वैल्यू क्या है एरे ऑफ आई जो है वो क्या होगा वो बेसिकली होगा टू टाइम्स एरे ऑफ आई माइनस वन एट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम देख सकते हो सिक्सटीन है टू टाइम्स एट और अब मैं क्या करूँगा कि किसी भी एरे ऑफ आई को कैलकुलेट करते टाइम मोड ले लूँगा राइट सो दैट मेरा जो यार वैल्यू है वो टेंटी पॉइंट नाइन प्लस सेवन जो है राइट right? इसके आसपास रहे बहुत ज़्यादा वैल्यू ना चल जाए नहीं तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा और फिर प्रॉब्लम आएगी राइट right? तो इस तरह से मैं क्या करूँगा पहले से ही पावर्स जो सारी की सारी क्या करूँगा अपने एरे में जो है स्टोर कर लूँगा राइट और मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी टू टू तो पावर लेफ्ट प्लस राइट की और ये लेफ्ट और राइट है क्या अरे में यार कुछ नंबर्स है जो कि आई आई के लेफ्ट में आ रहे थे और जे के राइट में आ रहे थे तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू एनी होगी राइट तो और ये मैंने एन और एन तक तो मैंने सारी वैल्यूज को जो है स्टोर कर ही लिया तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पी ओ डब्ल्यू ऑफ लेफ्ट प्लस राइट होगा राइट ये बेसिकली मेरा आंसर होगा राइट ये मुझे क्या देगा ये दे देगा टू द पावर लेफ्ट प्लस राइट जो कि मुझे चाहिए राइट right. तो बस सारे पेयर जाऊँगा सारे पेयर्स पर पे जाऊँगा हर आई को मैं जे पेयर को मैं कंसिडर करूँगा आई के लेफ्ट वाले निकालूंगा जे के राइट वाले निकालूंगा और यार उनके कॉरस्पॉन्डिंग आई को मैं जे के सारे सबसे मिलेंगे सारे आंसर जो ऐड करता जाऊंगा हर एक पर्टिकुलर लूप में एंड फाइनली मुझे अपना टोटल आंसर मिल जाएगा राइट right. तो बस यार, यार यही था अब मैं एक बार इसका कोड दिखा देता हूं सो तो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया पहले एन लिया जो इंड नंबर ऑफ डॉट्स है फिर यहाँ पे हर एक डॉट की एक्स पोजीशन दी हुई है तो मैंने उसको एक्स एरे में ले लिया अब मैंने कहा था कि मैं यार पावर एरे बनाऊंगा तो पावर अरे बनाया पावर ऑफ जीरो वन होगा क्योंकि टू की पावर जीरो वन होता है अब मैं वन मैं टू अंत तक जा रहा हूँ और मैंने कहा था पावर ऑफ आई क्या होगा टू इन टू पावर ऑफ आई माइनस वन और इसका यार मैंने मोड ले लिया मोड से राइट और ये मोड यार मैंने डिफाइन कर रखा है टेन टू पावर नाइन प्लस सेवन अब इनिशियली मैं आंसर वो जीरो ले रहा हूँ अब मैं सारे आई और जे पेयर्स ले रहा हूँ तो आई जीरो जीरो टू वन जा रहा है और जे जो आई प्लस वन टू लेस देन अंत तक जाएगा और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेफ्ट में कितने बंद होंगे तो मैंने कहा था टू एक्स आई माइनस एक्स जे जो आ रहा था इसका मैंने लोअर बाउंड निकाला राइट right. और ये इंडेक्स आएगा लेफ्ट वाला तो मैंने कहा था वो लेफ्ट जो इंडेक्स आएगा उतने नंबर ऑफ बंदे लेफ्ट में प्रेजेंट होंगे तो यार लेफ्ट ही होगा और अब यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने कहा था ये अपन निकालेंगे इस पर्टिकुलर बंदे का लोअर बाउंड और यहाँ पे मुझे राइट वाली वैल्यूज चाहिए थी राइट तो वैल्यूज कितनी होगी एन माइनस राइट तो देखो टोटल वैल्यूज होगी लेफ्ट प्लस एन माइनस राइट राइट तो ये टोटल लेफ्ट प्लस राइट वाले सारे बंदे आ गए और पी ओ डब्ल्यू एफ ये मुझे दे देगा टू टू द पावर लेफ्ट प्लस एन माइनस राइट तो ये मुझे मिल जाएगा आंसर मेड करूंगा और यार आंसर भी एड करते टाइम मोड ले लूंगा सो दैट रेंज में रहूँ एंड यार सारे फेर्स चेक करूँगा एंड फाइनली मेरे आंसर में टोटल आंसर प्रेजेंट होगा और वो आंसर मैं प्रिंट कर दूंगा राइट right? तो बस यार यही थी आई होप यू अंडरस्टूड इट बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून अंटिल देन बाय एंड टेक केयर